हेलो एवरीवन, जेनेसिस ने प्राइस लिस्ट में कुछ एनहांसमेंट्स किए हैं। आज हम उन्हीं एनहांसमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्राइस लिस्ट का विंडो है। सबसे पहला एनहांसमेंट जो जेनेसिस ने किया है वो है प्राइस रेंज इंट्रोडक्शन। इसका मतलब ये है प्राइस रेंज फ्रॉम एंड टू अब हम लोग एक्सेप्शन क्राइटेरिया में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है RSP दैट इज रिटेल सेल प्राइस फ्रॉम एंड रिटेल सेल प्राइस टू। ये RSP इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि ये हमारा मार्कअप या मार्कडाउन की प्राइस से डिपेंडेंट है। इफ सपोज हम इसे WSP कर देते हैं तो हमारा असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्राइटेरिया भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर हम WSP से इसे स्टैंडर्ड रेट करते हैं तो हमारा प्राइस रेंज भी हमें स्टैंडर्ड रेट में ही डिफाइन करना होगा। ये प्राइस लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बेनिफिट होगा कि अब हम सपोज हमारे जो आइटम्स 1049 वाले प्राइस से कम है और जो उससे ज्यादा है उसको हम लोग दो अलग अलग एक्सेप्शन में डिवाइड करके उसका रिस्पेक्टिव डिफाइन कर पाएंगे। प्राइस रेंज देने की वजह से हम टैक्सेशन के अकॉर्डिंग अपना फैक्टर डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट एनहांसमेंट जो जेनेसिस ने प्राइस लिस्ट में किया है वो ये है प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले प्रायोरिटी हमें क्यों करना होगा? अगर सपोज हमारा कोई एक आइटम हमारे मल्टीपल असॉर्टमेंट में बिलोंग करता है और अगर हमारा डेट रेंज भी ओवरलैपिंग है तो उस केस में ओवरलैपिंग डेट रेंज होने की वजह से कौन सा फैक्टर पिक करना है वो लॉजिक में क्लैरिटी रहे इसलिए हम प्रायोरिटी सेट कर देंगे। ये देखते हैं हम प्रायोरिटी सेट कैसे कर सकते हैं। हमने सेट प्रायोरिटी का एक बटन प्रोवाइड किया है। इस बटन पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारे जितने भी असॉर्टमेंट हमने प्रीवियस विंडो में डिफाइन किया है प्राइस लिस्ट विंडो में वो सब इसी ग्रिड में हमें दिखने लगेगा। हमें बस प्रायोरिटी के लिए उसे ऊपर या नीचे ड्रैग करना होगा। अगर हम उसे ऊपर ड्रैग करते हैं दैट मीन्स हम उसकी प्रायोरिटी को हाई कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर एक सेम आइटम मेरा प्रायोरिटी 3 वाले एक्सेप्शन में फॉल करता है और प्रायोरिटी 2 वाले एक्सेप्शन में भी फॉल करता है तो जो रो के लिए हमने हायर प्रायोरिटी प्रोवाइड किया दैट इज 3 उस रो का फैक्टर हमारा उस आइटम के लिए लिया जाएगा। अगर हमें किसी भी असॉर्टमेंट की प्रायोरिटी को या तो एकदम टॉप या एकदम उससे लो पे करना है तो हम राइट क्लिक करके मूव टू टॉप या मूव टू बॉटम का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। सपोज मैं रो नंबर 3 जिसका प्राइस फैक्टर इज 12 उसे मैं लोएस्ट प्रायोरिटी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ देन आई कैन क्लिक ऑन मूव टू बॉटम। मेरा 12% फैक्टर वाला रो नीचे आ गया है। प्रायोरिटी को सेट करने के लिए हमें अपडेट प्रायोरिटी पे क्लिक करना होगा। सेट प्रायोरिटी विंडो के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ग्रिड वापस से रीअलाइन कर दिया गया है। अगर हम प्रायोरिटी देखना चाहें तो हमने ये सेम इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सेप्शन क्राइटेरिया में लास्ट में प्रोवाइड कर दिया है जिससे कि हम अपने सारे रोज का प्रायोरिटी देख सकें। बाय डिफॉल्ट हमारे ग्रिड के जितने भी एक्सेप्शन क्राइटेरियाज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया जाएगा। दैट इज जो रो की हमारी मैक्सिमम प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर दिखाई जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंटली नीचे नीचे बाकी सारे रोज आ जाएंगे। लास्ट रो हमारा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला रो है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम याद रखनी है, सिंस हमने प्रायोरिटी वाइज डिसेंडिंग सॉर्टिंग किया है, पहले हम जब एड रो करते थे तो हमारा न्यू रो जो है वो लास्ट में एड होता था, बट अब हमारा जो नया रो है वो सबसे ऊपर में एड होगा क्योंकि हमने प्रायोरिटी वाइज डिसेंडिंग सॉर्टिंग किया है। जो भी न्यू रो हम लोग क्रिएट करते हैं, जो भी नया एक्सेप्शन हम डिफाइन करते हैं उस एक्सेप्शन को हम मैक्सिमम प्रायोरिटी देते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हमें वो प्रायोरिटी को चेंज करना है तो हम वापस से सेट प्रायोरिटी विंडो में जाके उसे चेंज करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट एनहांसमेंट जो जेनेसिस ने प्राइस लिस्ट में किया है वो है एक्सेप्शन बेसिस एज पर फिक्स्ड प्राइस। प्रीवियसली हम जो भी एक्सेप्शन डिफाइन करते थे वो एक्सेप्शन हमारा फैक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन होता था, दैट इज एक परसेंटेज में हम वैल्यू दे सकते थे। अब हमने एक्सेप्शन बेसिस करके कॉलम ऐड किया है जिसमें हम एक्सेप्शन का क्या क्राइटेरिया है वो सेट करते हैं, दैट इज एज पर मास्टर कॉन्फिग या फिक्स प्राइस। नाउ एज पर मास्टर कॉन्फिग में हम एक परसेंटेज देते हैं हमारा जो मार्कअप या मार्कडाउन परसेंटेज है और उस पर प्राइस टाइप वाइज हमारा मार्कअप मार्कडाउन और फिर अगर टैक्स इंक्लूड करना है तो टैक्स इंक्लूड करके हमारा एक प्रॉपर प्राइस कैलकुलेट होता है। और नेक्स्ट है हमारा फिक्स प्राइस वाला ऑप्शन। फिक्स प्राइस में हम यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं जो हमारे असॉर्टमेंट के सारे ही आइटम के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं।
लाइक सपोज हमारा जो डिपार्टमेंट है ड्रेसेस, अगर हम 50 रुपीज यहाँ पे सेट करते हैं तो हमारे उस डिपार्टमेंट के उन सभी आइटम के लिए 50 रुपीज हमारा फिक्स हो जाएगा, फिक्स प्राइस जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में और फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, जैसे कि मार्कअप, मार्कडाउन या इंक्लूजन ऑफ टैक्स और एनीथिंग, वो सब हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट एनहांसमेंट जो जेनेसिस ने प्राइस लिस्ट में किया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन एक्सेप्शन क्राइटेरिया। प्रीवियसली डिविजन, सेक्शन, डिपार्टमेंट, आर्टिकल, कैटेगरीज, इन सबके बेसिस में हम असॉर्टमेंट सेट कर सकते थे। अब हमने यहाँ पे आइटम सिलेक्शन ऑप्शन भी दे दिया है और आइटम को असॉर्टमेंट में ऐड करने के लिए हमने स्कैन आइटम का ऑप्शन दिया है। हम यहाँ से आइटम को स्कैन कर सकते हैं और हमारा स्कैंड आइटम का एक न्यू रो जनरेट हो गया है। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हम एक एग्जिस्टिंग असॉर्टमेंट में कोई आइटम को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें आइटम को असॉर्टमेंट में ऐड करना है तो हमें स्कैन आइटम को ही यूज करना होगा। ये कुछ चेंजेस हमने प्राइस लिस्ट में किया है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप जेनेसिस हेल्प डेस्क को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ जेनेसिस प्रोडक्ट टीम।